بسم الله الرحمن الرحيم جماعة بقية الله في العزيز الإمام الثاني شر المهدي المنتظر اللهم صل على अम्बिया अलैहिस्सलाम की खसलतों में से पाई जाती है एक मुर्गे में सफेद।
लगे, इसलिए मुस्तहब भी है कि घरों में सफेद मुर्गे का रखना। बहुत सारी रिवायतें, इससे पहले हमने मुकदमे में बहुत सारी रिवायतें बयान की थी जानवर की फजीलत के बारे में, फिर वो रिवायत रह गई थी, आज उसे मुकम्मल कर रहा हूँ। से मारफतु बे औकात सलात, सबसे पहली खसलत जो एक सफ़ेद मुर्गे में होती है वह मारफतु बे औकात सलात, ये नमाज के वक्त को बेहतर समझते हैं, जान लेते हैं। जब भी वक्त नमाज होता है देखिए, ये जो मुर्गे होते हैं ना बाग देते हैं, देखिए आवाज़ आ रही है, ये सब ये औकात सलात को जानते हैं, ये नमाज के वक्त को जानते हैं, ये अजान देते हैं, ये बुलाते हैं अजान करा। मारिफत औकात सलात, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का सलात। आप इशारा फरमाते हैं कि इम्तहनु शियतना फी औकात सलात, कि हमारे शियों को औकात सलात नमाज के वक्तों पर इम्तिहान करो, पहचानो। देखिए हर चीज की पहचानने का एक तरीका होता है, एक अखीर को कैसे पहचाने, फिर उसे को कैसा पहचाने, हीरे को कैसा पहचाने, हर चीज़ की एक शनाख्त होती है ना, कि इंसान को मारिफत होना चाहिए कि भाई हीरे में और शीशे में फ़र्क कैसा करें, हम डिफ्रेंशिएट कैसा करें, तरीका होता है, हर उसका एक टेक्निक होती है। सर छठे इमाम ने मेयार दिया है शियों को पहचानने का, क्या बात है, शियो यानी देखिए आधार कार्ड वाले शिया ने, रियल शिया, रियल शिया बोलने वाले शिया ने, हम रियल शिया है, हम कट्टर शिया है, अहले बैत बताएंगे कि कौन शिया है, क्या बात है, अहले बैत देंगे एसआईआर कुमार, अहले बैत लगाएंगे कि ये हमारा शिया है। छठे इमाम ने फरमाया हमारे शियों को पहचानना हो तो कैसा पहचानो, फी औकात सलात, इम्तहनु शियतना फी औकात सलात, हमारे शियों को नमाज के वक्तों पर पहचानो, अगर चबूतरों पर बैठे हैं तो ये हमारे शिया नहीं है, चौराहों पर खड़े हैं तो ये हमारे शिया नहीं है, बाजारों में घूम रहे हैं हमारे शिया नहीं है। औकात सलात, नमाज के वक्त पर शिया बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है, नमाज का वक्त, नमाज का वक्त, जब भी वक्त नमाज होता मौला कायनात का रंग बदल जाता, रसूल खुदा के चेहरे का रंग बदल जाता। छठे इमाम मुनाजरा कर रहे हैं एक शख्स के साथ, जैसे वक्त नमाज हुआ आप खड़े हो गए तो किसी ने कहा मौला बस थोड़ा बैठ जाइए ये आपका हो जाएगा, इमाम चले गए तो एक मरतबा से सवाल किया कि इमाम क्यों चले गए, यानी मैं तो बस एक कदम ही पे था बस कि उनके मुनाजरे में बस मैं उनका कायल हो जाता, तो लोगों ने कहा ये वक्त नमाज है, ये वक्त ये खुदा का वक्त है। तो एक मरतबा जब जैसे उसने देखा, यानी इमाम ने अपनी जीत को नहीं देखा बल्कि अल्लाह के वक्त नमाज को इतनी अहमियत दी, तो फौरी कलमे शहादत पढ़ता है, कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहली सिफत एक सफेद मुर्गे में नमाज के वक्त को वो पहचानते, दूसरी सिफत एक सफेद मुर्गे में सखावत होती है, यानी ये बड़े सखी होते हैं, यानी आप देखेंगे जब भी कोई ये दाना पाते हैं तो फौरी ये अपनी चुफ्त यानी अपनी मुर्गी को बुलाते हैं, वो खुद जल्दी नहीं खा लेते, ये वो आवाज करके वो मुर्गियों को बुलाता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, दाना है। आप देखिए आप मुर्गियों के सामने आप दाना डाल के देखिए, मुर्गा आएगा जल्दी मगर वो खाएगा नहीं, जब तक सारी मुर्गियां ना खा ले मुर्गा नहीं खाता, आप चाहे वो कितना ही भूखा हो जब तक मुर्गियां ना खा ले। इमाम ने फरमाया ये मुर्गे में अंबिया अलैहिस्सलाम की खासियत है कि पहले खिलाते हैं फिर खाते हैं, फकत खाने वाले नहीं बनते, मुर्गी ना बनो मुर्गा बनो, खिलाने वाले बनो सखी बनो। दूसरी सिफत जो मुर्गे में होती है वह सफा,
तीसरी सिफत जो मुर्गे में होती है, सफेद मुर्गे में, वो है अल गैरा, गैरत। आप देखो मुर्गे में बड़ी गैरत होती है। आप एक मुर्गे के साथ चार मुर्गियां जमा कर सकते हैं, मगर एक मुर्गे के साथ दो मुर्गे जमा नहीं कर सकते आप एक घर में। यानी एक घुड़ाड़े में दो मुर्गे नहीं रह सकते हैं आप, देखिए जंग हो जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, दो मुर्गे कहीं जमा नहीं हो सकते हैं, मगर एक मुर्गे के साथ चार मुर्गियां जमा हो जाती। मुर्गे में इतनी गैरत होती है वो दूसरे मुर्गे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये गैरत है। इंसान मुर्गे से सीखे गैरत को। ऐसे ना एक शख्स ने जवान ने कहा कि मौलाना मुझे एक ऐसी जौजा चाहिए कि मैं जब गाड़ी पे बिठा के जाऊं तो सारे लोग उसे देखते रहे। गैरत काम है इंसान की। बल्कि इंसान एक मोमिन तो ये चाहता है कि अगर उसके साथ कोई महारिम हो, कोई अगर पर्देदार उसके साथ अगर कोई जा रहा हो तो कोई सलाम भी ना करे। इंसान ये कहता चाहता है कि कोई इसे देखे भी ना, सलाम भी ना करे, पहचान का भी मिल जाए। लोग एहतियात करते हैं, तब पुलिस भी आप देखेंगे कोई जनाना हो तो पकड़ती नहीं है, रियायत करती है। कोई साथ कोई महारिम है, इसके साथ पर्देदार औरतें हैं, नहीं उन्हें सलाम भी ना करो, आप अपने सर झुका के चले जाए पुलिस। ये गैरत होती है इंसान अपने महारिम अपने औरतों से मुताल्लिक। इंसान में गैरत होना चाहिए, गैरत इंसान का, यानी इंसान के घर में पर्दा हो, ऐसे ना हो कि हर कोई घर में घुस के आ जाए बैल बकरी की तरह। भाई कुछ तो भी, यानी इंसान जानवर भी आवाज निकालता है, हाँ हो ही या अल्लाह आना। अब देखिए हमारे पास एक बुजुर्गों में ये सुन्नत बाकी है आज भी, दकुल बाप करके फटका मार के आवाज निकाल के आते हैं इंसान, आवाज निकाले, दखुल बाप करें, आवाज के साथ आए दाखिल। गैरत इंसान में गैरत होना चाहिए। एक साहब वाकया नकल कर रहे थे, कहा कि मैं किसी रिश्तेदारों के पास गया, जैसे ही मैं उनके पास गया तो वहां पर एक साहब बैठे हुए थे और वो इत्तेफाक से मौलाना भी थे, तो उन्होंने सवाल किया कि जैसे ही आप यहाँ पर दाखिल हुए हैं या घर की जो औरतें हैं सब पर्दा करने लगी, जब से मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर मगर कोई पर्दा नहीं कर रही थी, कोई पर्दे की रियायत नहीं कर रही थी, मगर जैसे ही आप आए सब के सब पर्दे की रियायत करने लगे, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए मर्द होना चाहिए, औरतें मर्दों से पर्दा करती है, नामर्दों से पर्दा नहीं करते। जो नामर्द होते हैं खवातीन, खवातीन से पर्दा नहीं करते। तो इंसान मर्द बने, इंसान में गैरत है। फिद्दीकिल अबयज़ खम्स खिसाल मिन खिसाल पांच खिसाल। देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम जब खसलतें बयान कर रहे हैं, जानवर से कम इंसान ये खसलतें हासिल करें। जानवर को देख, इसलिए कहा गया है मुस्तहब। क्यों कहा? घरों में मुर्गियां पाले, ये मुर्ग देखें, इन्हें देखकर सीखें, इन्हें इनसे देखकर सीखें, समझें कि इनमें जो खूबियां हैं उनसे हासिल करें, हासिल करें। यकीनन बाबुल हवाइज के मसाए पढ़े गए हैं, बाबुल हवाइज जाने ग्राम उलमा कहते हैं कि बाबुल हवाइज को बाबुल हवाइज इसलिए कहा गया कि हमारे बनी हाशिम की दो हाजतें करबला में पूरी ना हो सकी। एक हाजत जंग की इजाज़त मिल जाए और हमारे बनी हाशिम को जंग का मौका मिल जाए और वो बताएं कि अब्बास कहते किसे हैं, और दूसरी हाजत अब्बास की ये थी कि खैमे में पानी पहुँच जाए। जाने ग्रामी आज भी देखें आप अलम अब्बास को दूर से ही देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए कि अलम अब्बास पर आज भी मशकीज़ सकीना लगा होता है। जाने ग्रामी अब्बास की दो हाजतें थी। कहते हैं कि काफिला जो पाकिस्तान से करबला मोहल्ला की ज्यारत के लिए आया, इन काफिले को मौका दिया गया था कि सरदाब खमर बनी हाशिम की ज्यारत के लिए जाए। कहते हैं कि जब सरदाब खमर बनी हाशिम की ज्यारत के लिए जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर
खबर के अतराफ पानी है, आज भी पानी दबाव कर रहा है। तो वहां पर हमें छोटी छोटी बोतलें दी गई कि आप अगर चाहते हैं तो इस पानी को तबरुकन अपने साथ ले जाए। तो एक शख्स ने अपनी जेब से एक मशकीजा निकाला, उसने कहा कि अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इस मशकीजे को पुर कर लूं। तो वहां के खादिमीन ने कहा कि आज जितना चाहे आज पानी ले जाए, आज अब्बास के पास पानी की कमी नहीं है, आज अब्बास के पास पानी ले जाए, जितना चाहे ले जाए। उस शख्स ने उस मशकीजे को भर लिया जिस मशकीजे पर लिखा हुआ था हाय सकीना हाय प्यास। उस मशकीजे को उसने भर लिया और भरकर जब यह काफिला करबला से शाम की जानिब रवाना हुआ, जब शाम गया तो जिंदाने शाम में जब जनाबे सकीना की जरी की जियारत के लिए जाता है, जनाबे सकीना की जरी पर यह पानी को उंडल देता है, कहता है बीवी अब्बास ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब्बास ने आपके लिए ये पानी। Bismillah. 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 Bismillah.